नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज लगभग 5 से 6 वीक के बाद मैं आपके सामने कोई वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ काम के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया और आज मैं एक काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में रहने वाला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमोबिलिटी पर, उस पर एक वीडियो मैं डाल रहा हूँ। वो है डायल्यूशन पोटेंसी क्या है एक्चुअली और कैसे उसको प्रिपेयर किया जा सकता है, और क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे कॉल और बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते रहते हैं उसको रिलेटेड। कई बार जब मैं किसी को कोई फॉर्मूला बताता हूँ, किसी प्रैक्टिशनर को, हमारे जो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक हैं, खासकर जो नए लोग हैं, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा। अब हम समझते हैं थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में क्या है, कैसे है। बहुत सारी हिस्ट्री और उसमें मैं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं जो समझाने के लिए हैं। मैं प्रैक्टिकल मुद्दे की बात करूँगा सीधा, डाइल्यूशन क्या है और पोटेंसी क्या है। जब आप मेडिसिन को डाइल्यूट करते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक फॉर्म से जो उसके एटॉमिक डिस्टेंस होता है दो परमाणु, दो अणुओं के बीच में, तो जब हम उसको डाइल्यूट करके किसी व्हीकल में उसके अणु परमाणु के बीच की दूरी बढ़ाते हैं, तो तब हम उसको डाइल्यूशन बोलते हैं। जैसे ये देखिए आप, ये कोई स्पेसिफिक टाइप की रेमेडी है, कोई मेडिसिन है, और समझते चलिए कि इसमें हम रेक्टिफाइड स्प्रिट या जो आपका डिस्टिल वाटर है उसकी जो वैल्यू है, वो वॉल्यूम है, वो बढ़ाते जाएंगे और मेडिसिन उसमें कम होती जाएगी, तो मतलब हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। ये डाइल्यूशन हो गया, यानी कि एक तरीके से हमने जो साइंटिफिक रूप से देखें उसके जो अणु हैं उनके बीच की दूरी हमने बढ़ा दी। और ये होम्योपैथी में भी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी है कि डाइल्यूट हम मेडिसिन को करते ही हैं, वो हमें करना ही होगा। अब बात करते हैं पोटेंसी क्या है, पोटेंटाइजेशन जो है रेमेडी का, वो क्या है, कैसे होता है। तो जब हम इस सॉल्यूशन को, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को, जब हम एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ स्ट्रोक देते हैं उसको, इस टाइप से हम स्ट्रोक देते हैं जब उसको इस तरीके से, तो इससे स्ट्रोक देने से क्या होगा, जो इनकी डायनेमिक एनर्जी है, जो एटम्स, जो अणु हैं, इनकी जो डायनेमिक एनर्जी है वो सॉल्यूशन में आ जाती है, उस लिक्विड में आ जाती है, और वो पूरा सॉल्यूशन एक डायनेमिक एनर्जी के आवेश में आ जाता है, चार्ज में आ जाता है, पूरा सॉल्यूशन चार्ज हो जाता है, और फिर उसके मेडिसिनल जो इफेक्ट हैं वो सारे उसमें आ जाते हैं। यानी कि आपको मेडिसिन को डाइल्यूट करना होगा किसी भी हाल में, चाहे आप पोटेंसी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अब कुछ लोग यहीं पे ये बाइफरकेशन हो जाती है, जो लोग स्ट्रोक नहीं दे रहे हैं वो डाइल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, जो लोग डाइल्यूट करने के बाद स्ट्रोक दे रहे हैं वो पोटेंसी यूज़ कर रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में यूज़ हो रहा है उसको मैं समझा दे रहा हूँ, जो लोग केवल डाइल्यूट करके दे रहे हैं वो 147 के रेशियो पे काम कर रहे हैं, मतलब एक पार्ट मेडिसिन का और 47 पार्ट आपके व्हीकल का, और इसमें वो प्योर डिस्टिल वाटर का यूज़ करते हैं। यानी कि जब आप मेडिसिन को केवल डाइल्यूट करते हैं, 147 के पार्ट से डाइल्यूट करते हैं और प्योर डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करते हैं, तब आप उसको डाइल्यूशन बोलते हैं, और उसको यहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं वो होता है फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकंड डाइल्यूशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेंथ, इस तरीके से हम उसको डाइल्यूट करते चलते हैं। यह हो गया हमारा डाइल्यूशन जिसमें हमने स्ट्रोक नहीं दिया। अब बात करते हैं कि जब हमने डाइल्यूट कर लिया उसको, जो कुछ चल रहा है अभी मैं वही बता रहा हूँ आपको, और फैक्ट क्या हो सकता है वो मैं बाद में बताऊँगा। अब जिस भी रेशो में हमने डाइल्यूट कर लिया है, मान लो अब हमने 1:9 में डाइल्यूट किया है उसको, और फिर हमने उसको स्ट्रोक दिए अकॉर्डिंग टू फार्मेसी, कोई 100 स्ट्रोक बोलता है, कोई 50 बोलता है, कोई 105 बोलता है, अकॉर्डिंग टू फार्मेसी हमने स्ट्रोक दिए, यानी कि हमने उसको पोटेंटाइज कर दिया, उसकी पोटेंसी हमने उसको बना दी एक तरीके से। तो ये क्या होगी, हमारी पोटेंसी होगी, इसको हमारी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो समाज है, जो लोग हैं हमारे, वो इसको कैसे बोलते हैं फिर, D3, D4, D5, D6, D7, D8, क्योंकि क्रूड से D1, D1 से D2, D2 से D3 तो 1:9 से सेम रहता है सभी में, चाहे आप 147 से बना रहे हैं, चाहे आप 1:9 से बना रहे हैं। तो दो डाइल्यूशन के मेथड हो गए, 147 और 1:9 हमारे इलेक्ट्रोमोबिलिटी में। 147 वाले बोलते हैं कि ये डाइल्यूशन है और इसमें हम स्ट्रोक नहीं देने होते, 1:9 वाले बोलते हैं ये हम पोटेंसी बना रहे हैं और हम इसमें स्ट्रोक देंगे। लेकिन सच्चाई क्या है कि आप 147 वाले में भी स्ट्रोक दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसमें स्ट्रोक नहीं दे सकते,
क्यों? क्योंकि अगर आपने जो D3 लिया है, मान लो सपोज ये आपका D3 है और इसका जो बेस है वो ऑलरेडी RS है, RS बेस्ड D3 है, या इसमें 50% भी RS है, 30% भी रेक्टिफाइड स्प्लिट अगर पड़ा हुआ है तो भी आपको 147 से ब्रेक कर रहे हैं, चाहे 19 से ब्रेक कर रहे हैं, आपको स्ट्रोक देने ही होंगे, क्योंकि रेक्टिफाइड स्प्लिट ऐसे डाइल्यूट करने से उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो ब्रेक नहीं होते हैं। रेक्टिफाइड स्प्लिट आपके सॉल्यूशन में आ गया, चाहे वो 10% ही आ गया, तो आपको स्ट्रोक देना होगा। लेकिन अगर आप आरएस, आपकी मेडिसिन प्योर डिस्टिल वाटर में बनी हुई है तो आपको स्ट्रोक देने की ज़रूरत नहीं है। वो स्ट्रोक तो देने हैं, 2, 4, 5, 10 स्ट्रोक तो देने होंगे उसको मिक्स करने के लिए, तो उससे ही वो जो है उसमें, क्योंकि वो जो डिस्टिल वाटर के जो अणु परमाणु होते हैं वो आराम से उसी से ब्रेक हो जाते हैं और फिर आपको उसमें आगे फर्दर स्ट्रोक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो पहली चीज़ मैंने क्लियर किया कि आप 147 और 19 के मेथड से डाइल्यूट कर सकते हैं। आप स्ट्रोक नहीं दे रहे हैं तो डाइल्यूशन है, स्ट्रोक दे रहे हैं तो पोटेंसी है। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जगत में उसको, वर्ल्ड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वर्ल्ड में उसको जो डाइल्यूशन है उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला जाता है, जो पोटेंसी उसको D4 D5 D6 बोला जाता है। डेसिमल स्केल, डी का मतलब होता है डेसिमल स्केल। तो ये था इसमें, दोनों में जो इसमें डिफरेंस है। और अब कहाँ किसको यूज़ करें ये अगर मैं आपको बताऊँ तो सीधा सा फर्क हमें नज़र आ रहा है कि जो 147 से हम डाइल्यूट कर रहे हैं रेमेडी को, उसमें रेमेडी मेडिसिन कम है और व्हीकल ज़्यादा है, और 19 से करें तो उसमें मेडिसिन ज़्यादा है और व्हीकल कम है। तो जहाँ पे आपको स्ट्रोंग पॉजिटिव रेमेडी देनी है वहाँ पे आप 19 वाले रेशो से यूज़ करें, और जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रोंग नहीं देनी है और आपको नरवाइन भी काम करना है, नर्वस सिस्टम पे भी काम करना है, तो आप 147 से काम करें। ये बात फिक्स है कि जितना लाइटर होता जाएगा उसका इफेक्ट उतना डीप होता जाएगा, लेकिन हमें ये भी देखना है क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन है वो ऑर्गन बेस्ड है और ऑर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों पे काम करती है। तो हमें अब जब हम डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है हमारे जो पैथी है उसमें, जब हम डायग्नोस करेंगे तो हमें ये देखना है कि जो उसके सिम्टम्स क्या है उनको कलेक्टिवली इकट्ठा करके हमें चेक करना है कि भाई क्या प्रॉब्लम है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन, या कौन सा एक ऑर्गन या दो ऑर्गन या तीन ऑर्गन इन्वॉल्व, जो ऑर्गन इन्वॉल्व हैं उनको देखना है, उनके फंक्शन फिर हाइपो हैं या हाइपर हैं, बड़े हुए हैं या कम हुए हुए हैं, उनके स्ट्रक्चर को भी हम देख सकते हैं कि भाई जैसे हाइपरट्रोफी है या फिर मतलब कोई चीज़ कहीं से स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई या श्रिंक हो गई वो चीज़, ये भी हमें देखना है। उसके बाद फिर हम सिलेक्शन करते हैं अपनी मेडिसिन का, क्योंकि हमारी जो मेडिसिन है वो ऑर्गन वाइज है, और फिर हम देखते हैं कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है। वो बहुत वीक है वहाँ पे ऑर्गन, उसको बहुत न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, तो हमारी ये प्रूव हो चुका है कि हमारी जो रेमेडी है वो बहुत कंट्रोवर्सी, अगर मैं क्रिएट ना करूँ डिप्लोमेटिकली बोलूँ तो हमारी जो रेमेडी है वो एंजाइम के बहुत करीब है। मतलब कुछ लोग उसको एंजाइम बोल सकते हैं, कुछ लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एंजाइम के बहुत करीब है, और एंजाइम्स में न्यूट्रिशन होता है, तो अगर आपको न्यूट्रिशन देना है तो आपको कहीं ना कहीं मेडिसिन ज़्यादा रखनी होगी, यानी कि 19 से आप उसको करो, और कहीं आपको देखना है नरवाइन काम करना है। ऐसा नहीं है कि 147 में न्यूट्रिशन नहीं है, वहाँ पे भी फर्स्ट डाइल्यूशन में न्यूट्रिशन है, सेकंड डाइल्यूशन में भी न्यूट्रिशन है, तो वहाँ आपको देखना है जहाँ आपको सीधे फंक्शन नज़र आ रहे हैं कि फंक्शन हाइपो हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, वहाँ पे आप ऑर्गन के जो फंक्शन है वो कम हो रहे हैं, यानी कि वो देखा जाए तो एक तरीके से निगेटिव में जा रहा है, तो आपको पॉजिटिव देनी है। आप फर्स्ट डाइल्यूशन दे दीजिए 147 से, या 19 से D4 दे दीजिए। और आपको क्या लग रहा है, अब यहाँ देखो दोनों पॉजिटिव हैं, आपको क्या लग रहा है, न्यूट्रिशन भी देना है और नर्वस सिस्टम पे भी काम करना है, नरवाइन भी जाना है, तो आप फर्स्ट डाइल्यूशन दीजिए। और आपको नर्वस सिस्टम पे नहीं जाना है, आपको केवल फंक्शन ही सुधारने हैं उसके, तो आप D4 दीजिए। हालांकि आप चाहें तो केवल 147, आप लोग चाहें तो केवल 19, किसी भी एक रेशो से काम कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि दोनों तरीके से आप दोनों चीज़ें अपने पास प्रिपेयर रखिए। तो ये तो था दोनों का डिफरेंस हो गया। बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, वन पार्ट अगर आपको सिक्वेंशली बनाने तो 1 पार्ट मेडिसिन, 47 पार्ट व्हीकल, 1 पार्ट मेडिसिन और 9 पार्ट व्हीकल, ये 19 का रेशो हो गया, वो 147 का रेशो हो गया। तो ये हो गया। फिर दूसरा,
बहुत सारे हमारे सीनियर लोगों ने भी और हमने भी और हमारी जो टीम है पूरी ई होमियो हर्बल की, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरे बने हुए हैं, तो वहाँ से हम लोगों ने भी और जो हमारे सीनियर है वहाँ से भी कलेक्टिवली हमने चीज़ें देखी हैं कि जो शॉर्ट डिस्पेंसिंग मेथड है हमारी रेमेडी का, जो जल्दीबाजी में या जल्दी में या अच्छे से डायग्नोस होने के बाद हमें क्लियर है कि कैसे देना है, तो हम शॉर्ट ड्रॉप मेथड जिसको बोलते हैं उसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुछ लोग 100% ड्रॉप मेथड से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट उनको मिल रहे हैं देखने में। उसके लिए आपको क्या करना है, ये 30 ml का बोतल है मेरे पास यहाँ पे, इसमें ये यहाँ पे एक छोटा सा निशान होता है यहाँ पे 30 ml का, तो 30 ml आपको डिस्पेंस करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। और हालांकि ये फार्मेसी टू फार्मेसी वेरी करता है, कोई फार्मेसी बहुत सारी फार्मेसी अब जो ड्रॉप मेथड है उसको देने लगी हैं, लेकिन एक ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैक्सिमम 70-80% जो फार्मेसी हैं उन पे ये उनकी मेडिसिन पे काम करता है। 4-5 फार्मेसी पे मैंने आजमाया हुआ है, सब पे काम कर रहा है उन पे। तो उसमें आपको क्या करना है, अभी मैं आपको एक तरीके से देखा जाए तो तीन चार मैं आपको डाइल्यूशन शॉर्ट मेथड के बताऊंगा, पॉजिटिव डाइल्यूशन, निगेटिव डाइल्यूशन कैसे बनाया, पॉजिटिव डाइल्यूशन कैसे बनाया और न्यूट्रल डाइल्यूशन कैसे बनाया, और थर्ड नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि मोर लाइटर या लाइटर डाइल्यूशन हम कैसे बनाएं, और मैं मिक्सचर के साथ आपको बताऊंगा क्योंकि मैक्सिमम केस में हमें मिक्सचर ही उसमें देना होता है, मिक्सचर मतलब 4-5 रेमेडीज जो होते हैं। अब आप समझिए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मान लो आपको S1L1A3 वर्वन और वाई, S1L1A3 थ्री वर वन वाई फोर एंड फाइव, ये पांच मेडिसिन का आपको मिक्सचर बनाना है और आपको D4 बनाना है। तो आपको क्या करना है, 30 ml मेडिसिन लीजिए, 30 ml व्हीकल लीजिए यहाँ पे जो भी आप ले रहे हैं, उसके बाद जो आपकी पांच मेडिसिन है उन पांच मेडिसिन से आप इसमें 10-10 ड्रॉप डाल दीजिए, यानी कि टोटल 50 ड्रॉप्स लगभग आपको, 50 to 60, 60 ड्रॉप में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 50 to 60 ड्रॉप आप इसमें उन सभी की मिला के डाल दीजिए और अपने स्ट्रोक आप उसको प्रिपेयर कर दीजिए, ये आपका पॉजिटिव डायलेशन बन गया। अब बात करते हैं न्यूट्रल डायलेशन हम कैसे बनाएं, तो आपको वही 30 ml व्हीकल यहाँ तक लेना है और इसमें जो आपकी फाइव मेडिसिन है उनकी लगभग 7 to 8 ड्रॉप हर एक की, यानी कि मैं आपको बोलूँ 35 to 40 ड्रॉप्स, 35 to 40 ड्रॉप्स, ये सब हमने करके देख रखा है, 35, 36, 37, 38, 40 ड्रॉप तक, क्योंकि ड्रॉप का साइज भी अलग अलग होता है, तो 35 to 40 ड्रॉप्स लगभग, या एग्जैक्ट 40 ड्रॉप्स भी आप ले सकते हैं, अगर आप 40 ड्रॉप ही ले रहे हैं तो 40 लीजिए, 8 ड्रॉप आप पांच मेडिसिन की डालेंगे तो फिर स्ट्रोक देंगे, ये आपका D5 बन जाएगा, यानी कि न्यूट्रल डायलेशन हो गया आपका, डायलेशन बोले आप पोटेंसी, स्ट्रोक दे रहे हैं तो पोटेंसी बन जाएगी वो। तो ये हुआ हमारा न्यूट्रल वाला जो पार्ट है, यानी कि हमने 50 और फिर 40 ड्रॉप पे आ गए, अब हम आएंगे 30 ड्रॉप्स पे, 30 ड्रॉप्स का मतलब हो गया नेगेटिव। तो आपको 30 ml यहाँ से यहाँ तक लेना है आपको व्हीकल जो भी आप ले रहे हैं, मिक्स ले रहे हैं या डिस्टिल वाटर प्योर ले रहे हैं या फिर आप प्योर RS ले रहे हैं, उसके बाद इसमें जो आपकी फाइव मेडिसिन है उनकी सिक्स ड्रॉप, मतलब लगभग 30 ड्रॉप्स आपकी मिक्सचर की, जो टोटल मिक्सचर है उसकी 30 ड्रॉप आपको डालनी है इसमें और फिर उसको स्ट्रोक देना, ये आपका नेगेटिव डायलेशन बन गया। पांच मेडिसिन अगर आपने ली है तो, फोर मेडिसिन ली है तो वैसे ही आपको, यानी कि आपको 50 ड्रॉप से पॉजिटिव, 40 ड्रॉप से न्यूट्रल और 30 ड्रॉप से निगेटिव मिक्सचर का डाल के इसमें बना देना है। अब हम बात करते हैं मोर लाइटर डीप सीटेड जो डिजीज़ होती हैं, जो बहुत पुरानी डिजीज चली आ रही हैं उनके लिए हम जो है वो जो लाइटर डाइल्यूशन होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, एक नॉर्मल लाइटर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 30 ml के जो ड्रॉप है, ये ड्रॉपर है, 30 ml की जो मेडिसिन है आपके पास, फाइव मेडिसिन है वहाँ पे, S1L1A3 V1Y, हर एक की दो दो ड्रॉप इसमें डाल दीजिए, स्ट्रोक बना के दे दीजिए, ये आपका उससे भी लाइटर डाइल्यूशन बन गया। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये उसके इक्वल हो गया या वो हो गया, लेकिन जैसे हमने देखा है तो आप उसको D10 के आसपास मान के चल सकते हैं, इससे भी ज़्यादा लाइटर आपको जाना है तो आपको ये 30 ml के जगह आपको 100 ml का ड्रॉपर ले लेना है। जैसे ये 100 ml की बोतल है, इस 100 ml की बोतल में आपको ये
100 ml तक डिस्टिल वाटर या कोई भी व्हीकल है वो आप इसमें डाल लीजिए अपना, और उसके बाद इसमें फिर हर एक के दो दो ड्रॉप इसमें डाल दीजिए। पांच मेडिसिन है, पांच मेडिसिन के दो दो ड्रॉप इसमें डाल दीजिए 100 ml में, और इसको स्ट्रोक दे के प्रिपेयर कर लीजिए। तो ये आपके मैंने आपको चार के भी पांच मेथड बता दिए। पॉजिटिव में 50 ड्रॉप, न्यूट्रल में 40 ड्रॉप, और नेगेटिव में आपको 30 ड्रॉप, 30 ml के ड्रॉपर में डाल के बनाएंगे। फिर आपको जब लाइटर देना है तो आप उसमें और लेटर हो जाएंगे, 10 ड्रॉप पे आ जाएंगे या फिर 2 ड्रॉप पे आ जाएंगे। सिंगल रेमेडी भी आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, अगर सिलेक्शन आपका सही हो रहा है तो सिंगल भी दे सकते हैं। और मेरी जो बुक है उसमें भी मैंने इसको मेंशन किया है कि भाई बहुत सारे 20-25 टाइप के सिम्टम्स में सिंगल रेमेडी कैसे देके उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो मेथड मैंने आपको बताया है, ये सब कुछ ये भी मेरी बुक में मैंने एक चैप्टर में उसको ऐड किया हुआ है। और जो इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था मैं, वो यही था कि क्योंकि मैं जब कोई काम करता हूँ तो उसको पूरे डेडिकेशन के साथ करता हूँ, तो वो जो बुक थी मेरी उस पर उसके राइटिंग में मैं लगा हुआ था, और वो कंप्लीट हो गई है। उसमें काफ़ी कुछ है, मटीरिया मेडिका है पूरी, प्लांट्स को बहुत अच्छे तरीके से सिम्टम्स के साथ मैंने उसमें बताया हुआ है, और मटीरिया मेडिका में भी बहुत कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें ऐड हैं। थियोरेटिकल तो बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल मटीरिया मेडिका एक तरीके से देखा जाए तो। और प्लस लगभग मैंने 300 से भी ज़्यादा फॉर्मूलेशन उसमें कवर किए हैं, प्रैक्टिकल प्रूव्ड फॉर्मूलेशन। कुछ नए हैं, कुछ जो मेरी फॉर्मूला बुक थी PDF वो भी मैंने उसमें ऐड कर रखी है। तो ये टोटल एक पैकेज बन गया है, जो सारी प्रॉब्लम थी नए इलेक्ट्रोम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स की, जो जिनको कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए केवल एक प्रैक्टिकल गाइड की रिक्वायरमेंट है उनको। हमारी जो गाइड है उसमें प्लांट्स को सिम्टम वाइज या डिजीज़ वाइज हमने क्लियर किया कि कोई प्लांट कहाँ कहाँ पे काम करता है, प्लस ये भी लिखा है कि प्लांट किस किन रेमेडी में इन्वॉल्व है। उसके बाद फिर हमने एक एक रेमेडी को बताया, वो रेमेडी के हमने पूरे एक तरीके से डिस्क्रिप्शन में उसको बताया कि भाई कैसे, हर एक रेमेडी में हमने बताया। फिर रेमेडी में भी हमने दोबारा बताया कि भाई इसमें कौन कौन से प्लांट पड़े हुए हैं, वो प्लांट हमने पहले पढ़ लिया फिर वहाँ भी पढ़े, यानी कि कलेक्टिवली आप 114 प्लांट्स पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जब आप रेमेडी पे जाएंगे, 114 प्लांट पढ़ने के बाद जब आप रेमेडी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो 6-7 प्लांट उसमें पड़े हैं उनके सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि उस टेबल को देखने के बाद ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रेमेडी एक्चुअली कहाँ काम करेगी। ये हो गया। उसके बाद फिर हमने कुछ और प्रिंसिपल्स लिए हैं। इन सब से भी आगे देखा जाए तो लगभग 30-40 पेजेस मैंने इसमें ह्यूमन एनाटोमी और फिजियोलॉजी के भी लिए हैं, जिसमें इसको मैंने प्योरली बताया कि भाई कौन सा पार्ट कहाँ से क्या हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसका कहाँ इफेक्ट है, वो सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने ये बायोलॉजी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है, उनके लिए बहुत अच्छी बुक है। तो आप देखिए कितने सारे पैकेज एक ही बुक में आपको दिए हैं। तो आपने फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर आपने प्लांट पढ़े, फिर आपने 38 रेमेडी पढ़ी, और उसके बाद फिर जो 20-21 हमारी कंपाउंड रेमेडीज हैं उनको भी मैंने अलग से लिखा है, किस में कितना ओरिजिनल मेडिसिन पड़ा है और उस पूरी रेमेडी का इफेक्ट कहाँ कहाँ है, क्योंकि वो जो कंपाउंड रेमेडी है हमारी वो अपने आप में एक कंप्लीट फॉर्मूला है, वहाँ सिंगल सिंगल देने से काम हो जाता है। तो वो सारी रेमेडी उसमें लिखी है। उसके बाद फिर जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं हमारे, 42-48 एक्सटर्नल जो पॉइंट है, 42 हमारे, उन सभी एक्सटर्नल पॉइंट्स पे कौन कौन सी रेमेडी अप्लाई होगी वो सब उसमें लिखा है, एक टेबल बना के लिखा है। फिर हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बुक में ओपन की है कि भाई जो हमारे 114 प्लांट हैं उनमें से कौन से मेन प्लांट्स हैं जो कैंसर पे काम करते हैं, ये साफ साफ लिखा है एक टेबल बना के हमने, कौन सा प्लांट कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कैंसर पे काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं। फिर हमने कुछ मेन मेन जो कैंसर के प्रोटोकॉल हैं वो भी लिखे हैं। उसके बाद फिर हमने डिजीज़ सिम्टम्स और फॉर्मूले, यहाँ तक
सच्चाई तो यह है कि अगर आपने ये चीज़ें ढंग से पढ़ ली तो फॉर्मूले तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद फॉर्मूले बनाने लगेंगे वहाँ तक पढ़ते पढ़ते। 305 के आसपास पेजेस हैं बुक में, जिनमें से लगभग 200 पेजेस ये मैंने सारी चीज़ों के लिए रखे हैं स्टार्टिंग में, यानी कि 200 पेज पढ़ने में आपको इतने दिन लगेंगे। उतने दिन के बाद 201वें पेज पे जाने से पहले ही आप के फॉर्मूले आप अपने आप खुद बनाने लगेंगे, अगर आपने उसको अच्छे से समझ के पढ़ लिया था। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था मेरी बुक के बारे में भी, और डाइल्यूशन पोटेंसी बारे के मैंने के बारे में मैंने आपको बताया आज। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, 20-21 मिनट की वीडियो हो गई है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगी है, आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ है। तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।